ये हमारे सोलर का जो पानी है ना वो अभी स्टार्ट हो गए हैं। रिसेंटली हमने ट्राई की थी लेकिन दो एक सोलर काम थे जिसकी वजह से हमारे पानी जो काम था, ऊपर से बादल भी आप देख सकते हो लेकिन उसका वजूद भी जो है ना पानी का रिजल्ट अच्छा है, आप देखिएगा इस वीडियो में। इस व्लॉग में हमारे साथ जुड़िए रहिए ताकि आपको दिखाएँ कि इस पर ख़र्चा कितना आता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। ये अभी काम होने जा रहे हैं, ये देखो मुकम्मल बंद हो क्यों, ऊपर से मुकम्मल जो है जिसे कहते हैं बादल आ गए हैं, तो इस जिसकी वजह से ये पानी जो है हमारे बंद हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे जो सोलर लगे हैं उसको देखिएगा और उसके सिस्टम को देखिएगा। आप अगर लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ जिस उस्ताद ने ये बनाए हैं, क्या कहते हैं ये फ्रेम जिसने बनाया है, ये सेटिंग किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप नंबर देखिएगा, उससे कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको सिस्टम अच्छा लगे तो। चलिए इसका फ्रेम देखते हैं नीचे से कि क्या सूरत हाल इसके फ्रेम का। यहाँ से देखिएगा भाई, ये जो फ्रेम लगे हुए हैं सिक्स फिलर, उसके जो गार्डर लगे हुए हैं सेक्स इधर से, मतलब टोटल नौ फिलर लगे हुए हैं। यहाँ से अगर आप देखिए अंदर से इसकी जो बड़ा सोलर है उसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ से भाई ये चल जा भाई, अभी आपको नज़र आएगा कि इसकी बिजली कितनी है। क्या यहाँ से आएगा भाई, ये अभी ट्रिप हुआ है क्यों, अभी आपको नज़र आ जाएगी। ये 236 वाट आपकी बिजली है, तो जिससे आप जो पानी हासिल कर रहे हो 3 इंच का है। हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इसलिए पानी का इशू है कि यहाँ से हम तार लेकर गए हैं, ये डीसी है यहाँ से, ठीक है। ये इन्वर्टर जो है सोलर इन्वर्टर, इससे हम एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब एसी में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास जो 360 वाल्ट जो है ये एसी बिजली है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से फिर जब हम बटन ऑन करते हैं यहाँ से तो हमारी बिजली आ जाती है, वहाँ पे हमारे जो पानी होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास पैसे इतने कम है कि आप डीगी नहीं बना सकते उसके साथ वाटर स्टोरेज के लिए, तो आप बिल्कुल भी मत बनाइए, क्योंकि वाटर स्टोरेज इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस के हमें लगे। जब तक आप इसके वाटर स्टोर नहीं करते उस टाइम तक आपको फ़ायदा नहीं देते सोलर, लोग तो कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, जब तक आपके पास स्टोरेज अवेलेबल हो कम से कम एक दिन स्टोरेज, एक दिन जिसकी वजह से आप एक दिन जब आप स्टोर करते हैं ना पानी, तब जाके आपके सोलर कामयाब है, वरना उस दूसरे सूरत हाल में आपके सोलर कामयाब नहीं है। आज के लिए मैं कहता हूँ इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहेगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर की कोई इंफॉर्मेशन आप दे, अगर लानी है मकई के घासेस को रिमूव करने के लिए, प्याज वगैरह, अभी रिसेंटली हम मूली लगाने जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, हमारी वीडियो को देख सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।